हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर केयूर वर्मा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल योर सर्जिकल बॉडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बेबी का सर्कमसीजन का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी आप पोस्ट सर्कमसीजन ऑपरेशन केयर क्या लोगे, घर पे क्या क्या उसकी देखभाल करोगे, उसके बारे में ये पूरी वीडियो है। कई बार पेरेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कतें होती है कि बेबी का क्या केयर करें क्या नहीं करें, ये सारी जो दुविधा है वो सारी दुविधाओं को मैं आज दूर करूंगा। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए, आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और आप अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि अगर आपके बेबी का सर्कमसीजन का ऑपरेशन हो गया है तो मोस्टली डॉक्टर आपको 24 आवर के आसपास में डिस्चार्ज दे देता है। तो डिस्चार्ज के बाद अब आपने क्या ख्याल रखना है, तो जो डिस्चार्ज हुआ है तो उसके साथ आपके जो बेबी का ऑपरेशन हुआ है उस एरिया के आसपास एक पट्टी यानी कि ड्रेसिंग लगा के डॉक्टर आपको भेजता है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि ये जो ड्रेसिंग है वो प्राइमरी ड्रेसिंग होता है, वो मिनिमम 48 आवर तक आपको वहाँ पे रखना है। तो वो खींच ना जाए उसका ध्यान रखना है। बेबी को आपका पेन होगा या फिर वहाँ पे इचिंग होगी उस एरिया में तो वो वहाँ पे खींच सकता है। तो आपने क्या ख्याल रखना है, उसको टाइमली दवाई देनी है ताकि उसको दर्द ना हो, और भले वो ड्रेसिंग वाला जो एरिया है उसको आप पानी वगैरह ना लगाओ, बट उसके आसपास का जो एरिया है उसको आपने वार्म ल्यूक वाटर से अपने साफ कपड़े में रख के उसको मॉप वगैरह करना है, यानी कि वहाँ का एरिया पूरा साफ रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया कि इनिशियल पार्ट। अब आफ्टर 2-3 डेज एक बारी आपको डॉक्टर फिर से ड्रेसिंग के लिए बुलाएगा, तो वहाँ पे वो जो प्राइमरी ड्रेसिंग है उसको निकाल देंगे और उसके बाद सलाइन वगैरह से साफ करके अब आपको ऑइंटमेंट यानी कि जो एंटीबायोटिक क्रीम होती है वो लगाने के देंगे। तो आपने वो ठीक से समझ लेना है कैसे और कब कब अप्लाई करनी है। आइडियली उसको 2-3 बारी अप्लाई करनी होती है। अब लोग क्या करते हैं कि वही क्रीम एक बार लगाई, दोपहर को फिर लगा दी, उसी के ऊपर फिर से तीसरी बार लगा दी, तो ऐसे नहीं करना है। आपने क्या करना है, सुबह बच्चे को पहली बारी नहलाना है ना। कई बारी लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं लगाना, बट ऐसा नहीं करना है। आपने बच्चे को नहलाना है और उस एरिया को इनिशियली साफ नहीं करना है, बट बेबी को टब वगैरह में गर्म पानी जितना नहा सके उतना लेके उसमें बिठा देना है और हल्के हाथों से उस एरिया पे जो भी कुछ मैल वगैरह जमा है उसको आप साफ कर सकते हो। ज़्यादा घिसना वगैरह नहीं है, साबुन नहीं लगाना है, बस लूक वार्म वाटर से साफ करना है। फिर एक ड्राई कपड़े से, एक रूमाल से जो हम टॉवल यूज़ करते हैं वो नहीं, बट एक ड्राई कपड़ा अलग से लेना है और उसको पूरा साफ करके ड्राई कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर क्रीम लगानी है। ठीक है, ये हो गया सुबह। अगर दोपहर को फिर से क्रीम लगानी है तो क्या करना है, तो फिर से उस एरिया को आपने ल्यूकोम वाटर से साफ करना है, धोना है, फिर ड्राई करना है, उसके बाद फिर से क्रीम लगानी है। वही सेम प्रोसीजर आपने इवनिंग या रात में भी करनी है। तो ऐसे करके आपने लगानी है, ना कि बार बार एक ही क्रीम के ऊपर लगाते जाओगे। ऐसा होगा तो क्या होगा कि टांके लगे हैं उसके ऊपर पूरा मैल जैसा जम जाएगा, फिर आप बोलोगे ये सूजन हो गई, क्या हो गया ना, वो सब दिक्कत वाली बात है। तो ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से उस पर क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये प्रोसेस है जो आपने हर रोज़ करनी है। ठीक है, इस पर किसी किस्म का कोई और ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, घर पर कोई भी साबुन वगैरह नहीं लगाना है, बस जो डॉक्टर ने दी हुई ट्यूब है वही लगानी है। थोड़ी बहुत हल्की सी सूजन आ सकती है, कई बारी माइल्ड एक आधा बूंद ड्रॉप ब्लड का भी आ सकता है, बट उससे कभी घबराना नहीं है। वो सब चीज़ें थोड़े थोड़े दिन में, हफ्ते एक में चली जाएगी। तो यही चीज़ है जो आपने पूरी पूरी ध्यान रखनी है और ऐसे ही जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस करनी है। तो 8-10 दिनों के अंदर आपके जो टांके हैं वो ऑलमोस्ट घुलने पर आ जाएंगे। अब दूसरी बात, कई बारी क्या होता है कि पेशेंट जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो कई बारी कोई पेशेंट में चमड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर तक चिपकी हुई होती है, तो उसको हमें घिस के नीचे तक उतारना पड़ता है और उसके बाद चमड़ी काटनी पड़ती है। तो जो वो रॉ एरिया बनता है वहाँ पे हम जैसे कहीं पे गिर जाए तो कहते हैं स्कैब बनेगा, वैसा स्कैब बनेगा, वो एकदम हार्ड नहीं होगा बट वो स्कैब सा होता है। तो उसको घिसना कभी भी नहीं है, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद अपने आप उतर जाएगा। तो आपने बस वहाँ पे वही जैसे समझाया, लूकवॉर्म वाटर से साफ करना है, हल्के हाथों से रगड़ना है, ज़्यादा नहीं घिसना है, ट्यूब अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। अब एक बार आपके टांके सारे घुल के निकल गए, अगर वो स्टेपलर वाला है तो स्टेपलर भी घुल के निकल जाता है, उसके बाद क्या करना है, तो आपने उस एरिया को
अच्छे से ऑलवेज साफ करके रखना है। उसके बाद वहाँ पे आप नारियल तेल वगैरह कोकोनट ऑयल लगा सकते हो और धीरे धीरे जो स्कार है वो अच्छे से फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है और एक प्रॉपर सर्कमसीजन का ऑपरेशन को हमने सक्सेसफुल बनाना है। तो गाइस ये वीडियो आपको पूरी समझ आई होगी और आपको पूरी नॉलेज मिली होगी। बस ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।